चरखी दादरी में जलभराव से बर्बाद फसलों का जेपी दलाल ने निरीक्षण किया। तो जलभराव के कारण जो फसलें खराब हुई उनका निरीक्षण करने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। दादरी के गांव इमलोटा में निरीक्षण के दौरान किसानों से बातचीत भी की। खराब फसल का किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, यह आश्वासन उनकी ओर से दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की स्पेशल रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत रिपोर्ट मांगी गई। किसानों के नुकसान की भरपाई होगी, ये भी कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है। एसडीएम साहब और अधिकारियों के साथ इमलोटा गांव में जो जल भराव है अत्यधिक बारिश की वजह से, इस क्षेत्र में हमने दौरा किया और किसानों को जो उनकी फसल खराब हुई है, जो बीमित किसान है उसकी बीमा कंपनियों से, दूसरे किसान है उनको जो खराबा हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार मुआवजा दिलवाएंगे। और ये तुरंत आदेश दे दिया है कि इस पानी को निकालें ताकि आने वाले सीजन में फसल है सरसों की, गेहूँ की, उसकी बिजाई होनी चाहिए। और अधिकारियों को पूरा आदेश दिया है कि तुरंत इसको पानी को निकाल करके यहाँ पर सिंचाई की जो व्यवस्था है इसको ठीक कर करके फसल की बिजाई जो है।